यानी हमारा टोटल वजन जाएगा कॉयल का वजन लगभग 225 ग्राम हमारा लगने वाला है इसके अंदर, इसके वाइंडिंग में। अभी आपने जैसा भरा रनिंग वाला वैसे भरा स्टार्टिंग वाला, इसके लिए आपको अभी कुछ देखना नहीं है, सीधा इसको लिए और इसके बगल में जगह जो खाली है यहाँ डाल देना है। ये देखिए ये खाली है, यहाँ डाल देना है। जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी वाला काम खराब होता है, आराम से करें। अगर आपने पहली बार वाइंडिंग करने जा रहे हैं और वाइंडिंग करना है आपको, तो ध्यान से जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। जल्दीबाजी में क्या होगा, वायर आपका मुड़ेगा, टूटेगा, फूटेगा, लफड़ा होगा। इसके लिए आराम से करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपसे गलती नहीं होगी और आप आराम से वाइंडिंग कर पाएंगे। ये देखिए एकदम प्यास चला गया है। और ध्यान रखें कि जब डालेंगे आप पेपर, तो पेपर के अंदर सारे वायर अंदर हों, बाहर वायर ना हों, इस बात का ध्यान बार बार रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका आधा वायर बाहर रह गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको प्यार से अंदर कर लें और चाहे धागा खोल दें। दोस्तों अक्सर मेरी आदत है, मैं धागा खोलते आता हूँ और भरते आता हूँ। इससे क्या होता है, फिर आपको बाद में धागा खोलने में दिक्कत नहीं होती है। तो ये मेरा तरीका है, अगर आपको पसंद है तरीका तो आप भी जरूर करें, पूरे बाल खींच लें जितना अंदर आ सकता है आपके साइड। ये देखिए हमने पूरा खींच लिया है, और खींचने बाद में आप इसको बिठाते जाएं, इस तरह बिठाते जाएं, इससे आपको भरने में बहुत हानि होगी। दोस्तों मैंने पहले बताया कि ये वीडियो उन लोग के लिए है जो बिल्कुल नए नए हैं, बिल्कुल कभी वाइंडिंग किया नहीं है और वाइंडिंग करने की इच्छा रखते हैं, ये वीडियो स्पेशल उन लोग के लिए है। ये देखिए अभी आप फिर से इसको डाल देना उसके बगल में, जैसा आपने भरा था स्टार्टिंग में रनिंग वाला, सेम भरना है उसी तरह आपको स्टार्टिंग वाला भी। अब दोस्तों मैं सब कॉइल डालता हूँ इसी तरह से, दोस्तों देखिए हमारा स्टार्टिंग कॉइल भी हम लगभग डाल चुके हैं, ये हमारा लास्ट कॉइल है। ये देखिए हमारा लास्ट डाल दिया हमने, और पेपर लगाते जाना है, और अपने पेपर सब लगा दिया, कॉइल भर गया। अभी आपको क्या करने का है, इसको बिठा लें। अब दोस्तों देखिए अभी आपको देख लेना है कि कोई वायर बाहर तो नहीं रह गया, कोई वायर बाहर रह गया हो तो उसको अंदर कर दें। दोस्तों हमारा कोई वायर बाहर नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी आप क्या करें कि जो आपको सारे लीड वायर है छोड़ अंदर ही, इसको अंदर घुसा दें इस तरह से, तो बांधना है आपको, बांधना है इसको। और सबसे पहले बांधना है आपको बैक साइड, पहले बांधना आगे साइड, फ्रंट साइड बांधे बांधना, ओ पहले बांधना है आगे साइड, फिर बांधना है पीछे साइड। तो हम बांधेंगे पहले आगे साइड, इसको सीधा कर लें। इसमें लगा लें पेपर, दोस्तों फिर देना पेपर आपको। और ये जो आपने रनिंग के ऊपर, रनिंग कॉल के ऊपर जो आपने लगाया था टेप, इसके और क्या होता है, आपको रनिंग को स्टार्टिंग को अलग करने कोई समस्या होता नहीं, कुछ देखना नहीं पड़ता, एकदम आराम से एकदम प्यार से लगा। देखिए कुछ भी देखना नहीं है, सीधा स्कॉल थोड़ा ऊपर उठाएँ, ऐसा ऊपर उठा लें। ये देखिए इस तरह से, और स्कॉल को हम बिठा दें सही से, सही से बिठा के फिर बांधना आपने। दोस्तों बांधने के लिए मैं इसमें धागे उपयोग करूँगा, कुछ लोग टेप का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं टेप आपको नहीं करूँगा, मैं करूँगा धागे उपयोग। दोस्तों जब भी बांधना हो तो आपको देखिए जो हमारा रनिंग के वो पहला कॉइल है वहाँ बांधना शुरू करना है। ये देखिए इस तरह से, तो मैं भी वाइंडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, वाइंडिंग करते हैं मेरे आदमी लोग, मैं कभी कभार वीडियो बनाता हूँ तो वाइंडिंग करता हूँ बस, बाकी वाइंडिंग का सारा काम हमारे कर्मचारी लोग करते हैं। लेकिन मैं यहाँ दुकान नया खोला हूँ यूपी में, तो फिर से वाइंडिंग करने वाला हूँ, तो धीरे धीरे मेरी हैबिट जो है, आदत है, वो छूट चुकी है वाइंडिंग करने की, लेकिन फिर से करेंगे तो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह पकड़ना है और इसको बांधते चले जाना है, एकदम फुल टाइट बांधना है। मैं दोस्तों एकदम टाइट बांधता हूँ हमेशा मेरे हाथ से,
और दोस्तों सूजा बनाने लिए आपको वायर होना चाहिए उसे 28-27 गेज कॉपर वायर, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 27-28 गेज कॉपर वायर भी नहीं था। मैं भी सूजा बनाया हूँ, 30 गेज का अल्मीनियम वायर है उससे बनाया सूजा, तो सूजा भी काफ़ी नरम है। तो हमने बताया पहले ही कि मेरी कोशिश है कि एकदम अनाड़ी सनाड़ी व्यक्ति इस वीडियो को देखने के बाद में माइनिंग कर सके, क्योंकि उसके बाद भी साधन नहीं होते, सामान नहीं होते पूरे, फिर काम करता है पहली बार तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है उसको भी। तो उसके हिसाब से मैं सोचता हूँ कि एकदम बराबर वीडियो ध्यान देखें बिना स्किप किए, ताकि बराबर समझ में आपको आए। दोस्तों देखिए धागा बांधते समय एक बात का ध्यान रखें बस, कि आपको कोई बार आपके सुई के अंदर फंस के खींच ना जाए, नहीं टूट सकता है ये, और टूट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा भी नहीं, फिर आपको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होगा। तो इसलिए वायरिंग को बांधते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, कि आपको कोई वायर फंस नहीं पाए। तो एक छोटी सी बात है, इतना बात ध्यान रखेंगे कोई दिक्कत होगा नहीं आपको। दोस्तों देखिए हमने धागा बांध दिया है आगे साइड में, एक बांधना है कभी पीछे साइड में, दोस्तों मेरा जो कॉइल निकालने का तरीका है एकदम हमेशा मैं कट टू कट कॉइल निकालता हूँ साइड कॉइल का, इससे क्या होगा आपका जो वायर है वायर भी कम लगेगा और आपका पंखा भी हीट कम होगा। इसके लिए हमेशा कॉइल साइज बराबर निकालें, एकदम परफेक्ट निकालें, और आपको फिटिंग में काफ़ी दिक्कत कुछ भी दिक्कत होगा नहीं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा फिटिंग में, कॉइल का माप सही रहेगा। तो अभी कितने सारे लोग, ये कंपनी का वाइंडिंग था, इसका जो ये वाइंडिंग का मुंह था बहुत छोटा था, ये कॉइल बहुत छोटा बना था कंपनी ने, छोटा बनाने का फ़ायदा होता है कि आपका वायर कम लगता है, लेकिन फिटिंग में थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है, बहुत छोटा था मुँह इसका, क्योंकि स्टार्टर बाहर निकालने में निकल ही समझ लीजिए, रोटो को बाहर निकालने में पूरा वायरिंग खराब था पहले से ही, और निकालने में काफ़ी दिक्कत, साफ भी कर लिया है और स्लो लगा दिया है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं केवल दो स्लो लगा हुआ, बाकी सब ऐसे ही है। दोस्तों देखिए हमेशा मैं लीड बनाता हूँ, हमेशा मेरी आदत है, जो राइट साइड में है इसे बनाऊँगा लीड, जो लेफ्ट साइड में है इसे करूँगा कनेक्शन। तो देखिए इसका कनेक्शन बहुत, दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत सिंपल है, ये देखिए ऐसे आप देखेंगे इसमें इनर आउटर कुछ भी नहीं होता, जिसमें दो वायर निकला बाहर उसमें इनर आउटर कुछ नहीं होता, जो सीरीज कॉइल होता है उसमें रहता है इनर आउटर, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे इसको मान लें इनर और चाहे इसको मान लें आउटर। दोस्तों मैं इसको मान लेता हूँ कि हमारा इनर है, ये हमारा आउटर है, और फिर आपने इसको ऐसा रखा कि हमारा आउटर है, ये हमारा इनर है, तो आपको जुड़ेगा आउटर आउटर से, इनर इनर से, ये देखिए। और दूसरा तरीका ये है कि आपने एक इसको देखा, एक दो तीन कैसे हमारा होगा, हमेशा होगा एक दो तीन, किससे होगा ये बहुत सिंपल तरीका है, ये सिंगल फेस का जो भी मोटर होगा हमेशा कनेक्शन एक से तीन होता है, और थ्री फेस का होगा तो एक से चार होता है, ये हमारा सिंगल फेस का पंखा है जिसके हमारा कनेक्शन एक से तीन हो रहा है, ये देखिए इसको जोड़ के आपको इसको कट कर देना है, ये देखिए कट हो गया ये। अभी आप देखिए इसको भी आप देखेंगे तो ये भी एक से तीन होगा, एक दो तीन, और दोनों वायर लेफ्ट साइड में ही है, ये देखिए अभी कॉइल रखा है सब लेफ्ट साइड में, देखिए जिससे कनेक्शन करा था मैं, और इसको भी देखिए ये भी लेफ्ट साइड में, तो हमेशा कनेक्शन जब होगा तो लेफ्ट वाला वायर लेफ्ट में जुड़ेगा और राइट वाला कनेक्शन निकल जाएगा, ऐसा रहता है, या फिर राइट वाला आप जुड़ेंगे राइट में तो लेफ्ट वाला निकल जाएगा। तो वैसे जो लेफ्ट साइड में बाएं हाथ की तरफ है मैं इसको कनेक्शन कर रहा हूँ, और जो दाएं हाथ की तरफ है इसको बनाऊंगा लीड वायर में। तो देखिए एक दो तीन,
मैं एक बात को कई तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, तो कई लोग इसमें बोलते हैं कि आप एक बात को कितने बार बोलते हैं, अभी क्या करें। अगर आपको समझाना है सही से तो भाई उसको अलग तरह से समझाना पड़ता है, अलग अलग एंगल से, ताकि आपके दिमाग के अंदर सही से बैठ जाए बात, कोई कन्फ्यूजन कोई सवाल ना रह जाए आपके अंदर। इसके लिए मैं एक बात को बार बार दोहराता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आपने कर दिया है। अब दोस्तों आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं कि आप पनीर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, और चाहें आप शोल्डर करें। दोस्तों मैं इसमें शोल्डर नहीं करने वाला हूँ कि बहुत पतला वायर है ये। हाँ दोस्तों खाली एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप कनेक्शन करेंगे तो आपका जो हाथ की चुटकियाँ हैं एकदम साफ रखें, गंदा ना हो, एकदम सूखा हो। ऐसा नहीं कि आपके हाथ की चुटकियाँ गंदी हो तो क्या होगा, आपका जो लीड है वो स्पार्क करेगा और आपका पंखा जल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों देखिए अभी यहाँ पे टोटल चार वायर निकले हैं, आप चाहे चार वायर निकाल दें, आप चाहे तीन वायर निकाल दें। दोस्तों मैं इसमें चार वायर निकाल रहा हूँ, दो रेड और दो ब्लैक। ये देखिए इस तरह वायर छीन लेना है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि मेरा वायर जो है ये वाइट दिख रहा है, लेकिन हमारा कॉपर वायर है, ये लीड के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मैं दोस्तों काफ़ी सालों से हमेशा इसी वायर का लीड बनाता हूँ, मैं कोई कंप्लेंट नहीं आता। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा अंदर वाला वायर है, अंदर वाला कॉइल हमारा स्टार्टिंग है, जिसमें जोड़ूंगा ब्लैक, और जो बाहर वाला है वो हमारा रनिंग है, उसमें जोड़ूंगा रेड। अब दोस्तों देखिए अभी आपको ध्यान देना है कि जहाँ तक जला हुआ है वहीं से आपको जोड़ना लीड के अंदर। ये देखिए एकदम ध्यान से एकदम सही लीड जोड़ें, लीड जोड़ते समय एकदम ध्यान से जोड़ें। ये देखिए फिर से एक बार इसको घुमा के लाएं और फिर से इसको बांध दें अच्छे से। ये देखिए अभी आपको इसी तरह से सब वायर जोड़ देना है। दोस्तों देखिए हमने वायर जोड़ दिया है, आप देख पा रहे होंगे स्टार्टिंग में हमने जोड़ा ब्लैक और रनिंग में हमने जोड़ा रेड। अभी क्या करना है, अभी आपको सारी चारों वायर हैं आपको लाके, आप देख पा रहे हो मैं टेप लगा दिया है आपके। दोस्तों मेरा बहुत पुराना रोल है टेप लगाने का, इससे क्या होता है हमेशा जब भी मैं कोई पंखा वायरिंग करता हूँ या मोटर वायरिंग करूँगा तो सबके अंदर ऐसा करता हूँ मैं। ये देखिए अभी आपको सब वायर लाके यहाँ पे इकट्ठा करके उसको सिलाई करता हूँ। दोस्तों सिलाई करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वायर जो है कोई टूट ना जाए, फंस ना जाए, बस एकदम अच्छे से सिलाई करते हैं। हाँ दोस्तों देखिए मैंने सिलाई कर दिया है, अभी आप उसको चेक कर लेना है। दोस्तों देखिए मैंने जो चेक कर लिया है आप देख पा रहे होंगे हमारा कॉइल एकदम परफेक्ट साइज का है। देखिए आराम से इसमें रोटर घुस जाएगा, देखिए रोटर कहीं भी घुसाओ कहीं भी निकालो हमारा कॉइल एकदम बराबर रहता है, परफेक्ट बनाता हूँ हमेशा कॉइल, और आप भी हमेशा कॉइल सही बराबर निकालें और बराबर बनाए। अब दोस्तों आपको वार्निश करने से पहले बराबर देख लेना है क्या आपको जो इसको घुसने वाला जगह है वो कैसा है, सही है कि नहीं है, पेपर कोई बाहर तो नहीं, कोई वायर पेपर के बाहर कोई वायर तो नहीं है, जितनी कमियां रहती हैं इसे पहले देख लेना है। ऐसा नहीं कि आपने वार्निश कर दिया बाद में ध्यान नहीं गया आपका, फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने सब देख लिया है, अब इसको मैं वार्निश करता हूँ, वार्निश हो जाएगा सूख जाएगा, बाद में फिटिंग करना आपको दिखाएंगे कैसे फिटिंग करेंगे। दोस्तों देखिए हमारा ये वायरिंग सूख गया है, क्या आप देख पा रहे होंगे वायरिंग सूख गया है, अभी आपको फिटिंग करने का है। दोस्तों हमने इसमें पहले से ऑयल डाल दिया है, उसको साफ भी कर लिया है, जब भी आप फिटिंग करने जाएंगे तब को ऑयल जरूर डालना है और साफ जरूर करना है बुश को। अगर आपने बुश को साफ नहीं किया तो फिर से आपका बुश उड़ जाएगा, अगर धूल मुक्त हो जाएगा तो इसके लिए आपको बुश साफ करना बहुत जरूरी है। फिर जो पीछे वाला कवर है ये आपको पहले ही लगाना है, हमेशा ध्यान रखें आगे वाला कवर ना लगाएं, तो पहले पीछे वाला कवर लगाना है। ये देखिए इस तरह आराम बाहर निकाल लें और इसको होल मिला के बिठा लेते हैं। फिर दोस्तों इसको आपको होल मिला के बिठा लेना है, और बिठाने के बाद पहले कुकर वायरिंग चेक कर लेना है क्योंकि आपने वायरिंग ठीक है, तो चेक करें बॉडी साफ, कहीं बॉडी तो नहीं आ रहा दोस्तों, बॉडी भी नहीं आ रहा, तो वायरिंग होना बिल्कुल ओके। अभी आपको आगे बढ़ना है, हमेशा ध्यान रखें
ये स्टेप आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, और फॉलो करना ही है। फिर आप लगा लें ऑयल, दोस्तों ऑयल गेंद बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसलिए क्रोध रहता है, और जब भी आप ऑयल गेंद से ऑयल डालते हैं तो यहाँ से ऑयल क्योंकि यहाँ जमा होता रहता है, और जब आप चढ़ा करेंगे यहाँ गिर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ऑयल में ऑपरेंगे आप तो टेढ़ा ना करें और सीधा करके ऑपरें इसको। फिर आपको देख लेने का कि आपका रोटर और स्टेटर एकदम सेंटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका रोटर ज़्यादा अंदर है, स्टेटर ऊपर है, या स्टेटर ऊपर है, रोटर अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि रोटर स्टेटर एकदम सेंटर में होना चाहिए। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रोटर स्टेटर दोनों सेंटर में ही है। फिर से ऑयल लगा दिया ऊपर भी। दोस्तों हमने बुश में ऑयल डाल दिया है नमले के अंदर, ये खाली मैं लगा रहा हूँ बुश के ऊपर लगा रहा हूँ। दोस्तों फिर आगे वाला कवर लगाना है, कवर डालेंगे आप आराम से एकदम, जल्दीबाजी नहीं करना है, और एकदम प्यार से। जब ऐसी करेंगे तो बुश खराब हो सकता है, तो इसके लिए एकदम जब भी डालेंगे एकदम प्यार से, और पहले दोस्त को डालें होल मिलाएं और ऐसे सब डाल के चेक कर लें, इससे क्या होगा आपको आसानी रहेगी। डाल दिया आपने, ठोक के पहले बिठा लें और फिर देख लें घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, उसको घूम रहा है फिर प्ले चेक कर लें, प्ले तो नहीं है, अगर प्ले रहेगा तो आपको ऐसे निकालना लाना पड़ेगा, तो उससे इसमें ऐसे प्ले है नहीं, तो कैसे कर देखते हैं। दोस्तों वैसे इसमें एक वासा लगाया था हमने, तो अभी प्ले छोड़ा भी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ऐसा निकालना ही पड़े, क्योंकि प्ले छोड़ा भी नहीं है, अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है जाम हो जाए मोटर, लेकिन वो तो ट्राई करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। दोस्तों चाड़ी का ले लिया, देखिए आजकल टी बना लिया हमें, चाड़ी से करूँगा मैं। दोस्तों चाड़ी आराम से करना है और सर्विव करना है, ऐसा नहीं आपने एक को छोड़ कर दिया दूसरे छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, मेरी मोटर जाम हो जाएगा। आपको चाड़ी आराम से करें और सबको करें और ठोक कर बिठाते जाएँ। दोस्तों जो टाइट हो गया आने सामने का, अब जरा घुमा के चेक करें कि आपका मोटर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। दोस्तों ये काफ़ी जाम हो चुका है, हाँ जाम हो चुका है, तो आपको वाशर निकालना पड़ेगा, तो फिर से खोलता हूँ मैं और एक वाशर निकाल लेता हूँ। दोस्तों देखिए मैं इसमें से एक वाशर निकाल लेता हूँ, एक ही निकालूँगा, ये देखिए एक वाशर निकल गया है, ये सिर्फ एक ही वाशर निकाला, ऐसा नहीं कि आलसी मैंने दो चार निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है, अगर जरूरत पड़ेगी फिर से खोलना पड़ेगा तो फिर से खोलेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली जल्दीबाजी नहीं करना है। देखिए हमने एक ही निकाला है, और आप फिर से होल मिला के लगा ले। दोस्तों मेरा सिस्टम ऐसे ही, देखिए मैं ऐसे रखता हूँ, इसे काम करने में आसानी होती है। लगा के ना टच कर लें, उससे टाइट करेंगे आप सबों करना है थोड़ा थोड़ा। तो देखिए टच करें, घुमा के चेक करें, घूम रहा है क्या, तो हल्का प्ले है और फ्री भी है। आप फुल टाइट कर दें, वही सामने सामने करें, थोड़ा जाम लग रहा है, अब ठोक ठोक गया इसको, तो हल्का सा अभी जाम है। तो
जहाँ भी है एक बार सर निकाल लेते हैं, बहुत खुली है, एक बार सर निकाल लेता हूँ। इसकी जगह डालता हूँ भाई फिल्म वाइसर, और फिर से ऑयल लगाता हूँ और ये कवर लगा दे और टाइट कर दे। अभी सेटिंग बराबर हो चुका है, अभी आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिख रहा है, देखते ट्राई करके क्या होता है। फुल टाइट करें, डरे नहीं, फ्री नहीं होगा। हल्का सब प्ले है और फ्री भी कम है। हाँ दोस्तों, फ्री हो चुका है और हल्का सा प्ले है, ये देखिए ज़रा सा प्ले है, थोड़ा प्ले होना चाहिए और मोटर फ्री भी होना चाहिए और यहाँ पर बोल्ट जो है ये फुल टाइट भी होना चाहिए। हाँ टाइट भी है और फ्री भी है, सब ठीक है। ये अभी आप क्या करें, एक बार आप चेक कर लें वाइंडिंग, क्योंकि दो बार तीन बार खुला खाला है, कहीं भी लग गया हो या कोई बॉडी शॉट आ रहा हो, आपको वाइंडिंग चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहले आप वाइंडिंग चेक करें, सबसे पहले चेक करें बॉडी शॉट, दूसरे बॉडी शॉट पर नहीं आ रहा है, वाइंडिंग बिल्कुल ओके है, वाइंडिंग ठीक है। अभी आपको करेक्शन करने का है, इसमें करेक्शन बहुत सिंपल है, एक रनिंग स्टार्टिंग आप जोड़ दें, ये हमारा बन गया कॉमन। और अभी एक आपका एक वायर जोड़ दें कैपेसिटर में रनिंग वाला, और एक वायर जोड़ दें स्टार्टिंग वाला कैपेसिटर में। अभी आपको सप्लाई देना है एक रनिंग पे और एक कॉमन के ऊपर। ऐसा दोस्तों आप चाहें तो इसमें ऐसा रनिंग स्टार्टिंग ज़्यादा को मायने रखता नहीं है, क्योंकि लोड तो रहता नहीं है, चलता है। लेकिन ये देखिए दोस्तों, हमारा जो वहाँ सीरीज है ये बहुत 100 वोल्ट का है, इसकी सीरीज भी चल नहीं रहा है, 100 वोल्ट के 60 वोल्ट का बल्ब लगा है यहाँ पर। दोस्तों देखिए हमारा पंखा बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है, ये सीधा है। तो क्या करें, अगर आपको सीधा करने का है तो ये जो ब्लैक है ये काला, और जो लगा दे कॉमन में उस काले से आपस में बदल दें। ये देखिए हमने इस काले को उस काले से चेंज कर दिया है। अभी आप चेक करेंगे आपका मोटर सीधा घूमेगा। ये दोस्तों देखिए हमारा मोटर सीधा घूम रहा है, सीधा आपको दिखा देते हैं मेन में, और दोस्तों इसमें लगा देता हूँ मैं ताकि आपको दिखाई देगा कि हमारा मोटर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर मैं इसमें टेप लगा देता हूँ, इससे आपको दिखाई देगा कि हमारा पंखा चल रहा है। दोस्तों देखिए हमने टेप लगा दिया है ताकि आपको सही तरह दिखाई दे हमारा पंखा चल रहा है। दोस्तों देखिए अभी लगाया मेन में हमने, दोस्तों देखिए पंखा फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई आवाज़ नहीं है, एकदम साइलेंट है, चीज़ अच्छा है। इस तरह से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, कुछ समझ में आए तो कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और हाँ दोस्तों, इसका वाइंडिंग डाटा अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, आप वहाँ देख सकते हैं। और आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।